स्वर्ग और नरक। सूफी संत राबिया बसरी के बारे में एक किस्सा है। एक बार राबिया एक हाथ में जलती हुई मशाल और दूसरे हाथ में पानी की बाल्टी लेकर बाजार के बीचों बीच भागती हुई जा रही थी। लोगों ने पूछा, यह तुम क्या कर रही हो? राबिया ने कहा, मैं वह काम करने लगी हूँ जो बहुत पहले किया जाना चाहिए था। मैं यह ख्याल जलाने लगी हूँ कि ऊपर स्वर्ग है, यह विचार डुबोने लगी हूँ कि नीचे नरक है। दोनों झूठ हैं। ये दोनों ही कहीं मौजूद नहीं बल्कि हमारे अंदर हैं। यह हम पर निर्भर है कि हम स्वर्ग में रहें या नरक में। स्वर्ग और नरक हमारे अपने बनाए हुए हैं। यह हमें चुनना है कि क्रोध और घृणा पालकर हम नरक का दुख भोगें, या फिर प्रेम और दया के गुण अपनाकर स्वर्ग का आनंद लें। जहां प्रेम प्यार और दया नहीं है, वहां न स्वर्ग है न रूहानियत। आज के समाज में बड़े बुजुर्गों का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है। वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि अपने माता पिता के लिए न हमारे घरों में और न ही दिलों में कोई जगह है। बुढ़ापे और लाचारी में उन्हें अपनी देखरेख के लिए उनके हाल पर अकेले छोड़ दिया जाता है। अपने माता पिता के लिए हमारे पास वक्त नहीं है, जिन्होंने हमारी छोटी छोटी उंगलियां पकड़कर हमें चलना सिखाया, हमारे गिर जाने पर जिन्हें दर्द होता था, जो हमें रोते हुए देखकर अंदर ही अंदर दुखी होते थे, जिन्होंने हमें पालने पोसने और पढ़ाने के लिए खुद को परेशानी में रखा और हमारे बीमार पड़ने पर रात रात भर जागकर हमारी देखभाल की। लेकिन आज जब उन्हें हमारे सहारे की जरूरत है, तो हमारे पास वक्त नहीं है। जब उनकी देखभाल के लिए उन्हें हमारी जरूरत है, तो हम परवाह नहीं करते। जब उन्हें हमारे प्रेम और प्यार की जरूरत है, तो हमारे दिलों में उनके लिए प्यार ही नहीं है। हम पर भी किसी दिन बुढ़ापा आएगा और वह दिन ज्यादा दूर नहीं है। जिस तरह हम अपने माता पिता को अपनी जिंदगी से दूर कर देते हैं, हमारे बच्चे भी वैसा ही करेंगे। बौद्ध धर्म का यह कथन बिल्कुल सही है, कर भला हो भला, कर बुरा हो बुरा। गरीब बच्चे गलियों में कूड़ेकचरे में से खाना ढूंढते हैं, जबकि हम लोगों को शानदार भोज का न्योता देते हैं। लेकिन हमारे अंदर इतनी भी उदारता नहीं है कि हम कुछ पैसे खर्च करके इन भूखे बच्चों को खाना खिला दें। क्या हम किसी एक बच्चे की पढ़ाई का इंतजाम करके अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हैं? हम कई विज्ञापन देखते हैं जिनमें हमसे एक बच्चे की पढ़ाई का खर्चा उठाने की विनती की जाती है, और यह खर्चा इतना कम होता है कि हमें पढ़कर शर्म आनी चाहिए। इन गरीबों के लिए केवल हमदर्दी दिखाना ही काफी नहीं होता, हमें कुछ करना भी चाहिए। अगर हम प्रेम प्यार से जीना चाहते हैं, तो हमें भी दूसरों से प्रेम करना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। अगर हम मानव जाति की सेवा करना चाहते हैं, तो हमें यह सेवा पूरी नम्रता के साथ करनी चाहिए। जहां नम्रता नहीं है, वहां सेवा के असली मायने खत्म हो जाते हैं। सेवा हमारे लिए सीखने का एक तरीका, यह निर्मल होने का साधन है, जागरूक होने का जरिया है। सेवा करते हुए हमें अपनी कमजोरियों को पहचानने का मौका मिलता है। जो लोग कुछ देना चाहते हैं, उनके लिए सेवा आसान है, लेकिन जो हमेशा कुछ पाने की उम्मीद रखते हैं, उनके लिए सेवा मुश्किल है। सेवा खामोश रहकर सद्गुरु को अपना प्रेम अर्पण करना है। सेवा वह है जब हम अनजाने में अपनी खुदी को छोड़ने लगते हैं, उसकी परवाह नहीं करते, क्योंकि हम सेवा करने में पूरी तरह लीन हो जाते हैं। सेवा भक्ति भाव को प्रकट करने का साधन है, अपने आप को समर्पित करने की एक छोटी सी कोशिश है, ताकि हम अपने अहंकार को नम्रता में बदल सकें। महाराज सावन सिंह जी के वचन हैं, सेवा के बहुत से फल हैं, लेकिन इनमें सबसे बड़ा फल यह है कि
कि इंसान जिसकी सेवा करता है उसके गुणों को अपना लेता है। बाबा जी बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि हमें जाति, धर्म, रंग भेद और शानो शौकत को नजरअंदाज करके कंधे से कंधा मिलाकर एकजुट होकर सेवा करनी चाहिए। सेवा में न कोई राजा है, न रंग, न कोई बड़ा है, न छोटा, और न कोई अफसर है, न कोई मजदूर। सतगुरु के प्रेम रूपी सागर में उसी जीव के लिए जगह है जो बेबस है, दीन है और जो समर्पण के लिए तैयार है। हम खुद ही अपने अंदर स्वर्ग या नरक बना सकते हैं। यह चुनाव हमें करना है। आप क्या चुनेंगे? कमेंट में जरूर लिखें। राधा स्वामी जी।